मैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से मुबारकबाद दूंगा कि आज पूरे मुल्क के, पूरे हिंदुस्तान के एक एक अवाम के 125 करोड़ लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। और मैं कहूंगा कि जो पुलवामा में जो दहशतगर्दों ने हमारे जो आर्मी के सैनिकों को जो धोखे से शहीद कर दिया था, आज उनका पूरा बदला हो गया है, उनके घर वालों को सुकून होगा। हिंदुस्तान के एक एक यहाँ के जो अवाम है, एक एक आदमी को यहाँ पे सुकून है कि हमारा बदला ले लिया गया है। और मैं पाकिस्तान के जो वजीर आजम इमरान खान साहब से कहूँगा कि आप ये जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्द है, चाहे मौलाना हफीज सईद हो या जो है मसूद अजहर हो, ये जो इन लोगों ने जो वहाँ पे जो दहशतगर्दों की जो फैक्ट्री खोली हुई है, आप इनको बंद कीजिए, ये सब इनका खात्मा कीजिए। और हिंदुस्तान के खिलाफ अगर आपकी ज़मीन का इस्तेमाल हुआ तो ये तो एक छोटा सा टेलर है हिंदुस्तान की फौज का। अगर ये बंद नहीं हुआ और अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो आप किसी भी अंजाम के लिए तैयार कीजिए। हिंदुस्तान जो है अमन पसंद है, शांति प्रिय है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी जो ये अमन पसंद का जो हमारी परंपरा है, हमारी जो तहजीब है, इसको हमारी कोई कमजोरी समझे। हिंदुस्तान किसी से दबने वाला नहीं है, कमजोर नहीं है। अगर हमारे खिलाफ, हमारे सैनिकों के खिलाफ और हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ अगर किसी भी मुल्क ने, कोई भी आतंकवादी संगठन ने अगर कोई आंख तिरछी करेगा तो हिंदुस्तान उसकी आंख में आंख डाल के उससे बदला लेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये सब जो हो रहा है, ये दहशतगर्दी बंद कर दीजिए, इंसानियत को बचाइए, पूरी दुनिया में अमन मोहब्बत रहे उसके लिए काम कीजिए। अगर आपके यहाँ पे ये आतंकवादी पले गए तो हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की फौज इनका इलाज करेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से मुबारकबाद दूंगा और मैं दुनिया को ये मैसेज दूंगा और हिंदुस्तान के आम लोगों को मैसेज दूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो कहा वो करा, हमारे देश के सैनिकों का जो शहादत हुई थी उसका बदला हुआ है, पूरा हिंदुस्तान खुश है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और सेना के और वायुसेना के सभी जो भी लोग इस ऑपरेशन के अंदर शामिल हुए थे उनको अपनी ओर से मुबारकबाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत।